हेलो गाइस नमस्कार प्रणाम मेरे दोस्त मेरे भाई और मुझे चाहने वाले जोहार साथियों आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूं झारखंड सीजीएल का साइंस का सेट नंबर फाइव इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तीस क्वेश्चन लाया हूं जिसे पढ़कर सुनकर देखकर बेटा एकदम खुश हो जाओगे और तेरा पेपर में यहां से जरूर क्वेश्चन आएंगे यह है मेरा वादा क्योंकि मैं पढ़ाता हूं अक्सर आपको पहले से ज्यादा तो चलिए नो लेट करते हैं ना वेट करते हैं और आप लोग को सीधे क्लसवा को क्या कर देते हैं स्टार्ट कर देते हैं और मैं बोल रहा हूं ना कि मैं एक नई घोषणा करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए झारखंड के विद्यार्थियों के लिए है ना जिसमें मैं बहुत ही बेहतरीन घोषणा करने वाला हूँ ये सीक्रेट है ये आपको कल बताऊँगा पक्का है ना और वो इतने अच्छे से प्लानिंग करके मैं आया हूँ कि आप लोग झारखंड के जितने भी युवा है ना जो कि झारखंड में सचिवालय का मैट्रिक स्तरीय इंटर स्तरीय झारखंड पुलिस झारखंड दरोगा झारखंड जेपीएससी जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं झारखंड में वो सब में काम करेगा ये है मेरा वादा मेरे दोस्तों तो चलिए नो लेट करते हैं न वेट करते हैं सीधे क्लास को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं और आप लोग को पता है कि मैं जो लेकर आया हूँ वो साइंस का सेट नंबर फाइव लेके आया हूं इससे पहले आपको चार सेट मेरे द्वारा कंप्लीट करवा दिया गया था कितने सेट कंप्लीट करवा दिया गया है चार सेट और आज मैं ले रहा हूं पांचवा सेट है ना और तीस महत्वपूर्ण प्रश्न है इसे पढ़ लोगे मेरे दोस्तों तो आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है पहला क्वेश्चन है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं है ना यानी कि अगर देखा जाए भारत के जितने एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते होंगे तो आपको पता होगा तो बताइए कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं पहला ऑप्शन है अंडकोष या ब्रिश्न कोष में ब्रिश्न में प्रो अस्टेट ग्रंथि में या वीर ओ में इसमें शुक्राणु का जो बनता है यानी जो अस्पर्म बनता है वह कहाँ बनता है ये आपको जवाब देना है जल्दी से आपकी समय सीमा होती है स्टार्ट नोलेट no नवेट no जल्दी से बताइए और मैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा कोई बहसबाजी कोई बकबाजी नहीं चलेगा एकदम सीधे टारगेट करके क्या करना है पढ़ना है एकदम पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होने हो, वो वो शांति ढंग से पढ़ते हैं है ना पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी होते हैं हो, वो क्या होते हैं शांति ढंग से पढ़ते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी हम लोग ले लेते हैं देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी आपके लिए लेके आए हैं अगर मैं शुक्राणु की बात करूँ कि शुक्राणु कहाँ बनता है तो आपको देना है कहाष्ण में बनता है ठीक है जो होता है वो नर जनन ग्रंथियों है जो अंडाकार होती है कृष्ण की जो संख्या होती है मनुष्यों में वो कितनी होती है तो आप बोलोगे सर दो होती है कृष्ण नर में पाए जाने वाला एक प्राथमिक जनन क्या है अंग है ठीक है ये चीज जरूर याद रखना शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप जो होना चाहिए शरीर के ताप से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए यानी कि जिस समय हमारे बॉडी में बनती है उस समय का जो टेपरेचर होना चाहिए वो नॉर्मल से कम होनी चाहिए ठीक है मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर दो लेते हैं और जवाब फटाक से देना पढ़ने के बाद चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर दो बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए लिखा हुआ है कि बल गुना विस्थापन के बराबर होता है ये तो क्वेश्चन बेटा क्लास नाइन्थ का है है ना बताओ क्लास नाइन्थ में भी ये कोई चीज मैंने पढ़ाया बच्चों लोग को चलिए जल्दी से बता दो कि बल गुना विस्थापन के बराबर होता है किसके बराबर होता है दाब के बराबर होता है ऊर्जा के बराबर होता है आपको उत्क्षेप के बराबर होता है या कार्य के बराबर होता है आप लोग सभी को पता है क्योंकि आप लोग सभी ने क्लास टेंथ क्लास नाइन्थ पढ़ा होगा तभी आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे जोहार साथियों को सबको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि मेरे जोहार साथी इसका क्या आंसर होना चाहिए तो जल्दी से बताइए तो इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है आइए कुछ इससे भी रिलेटेड हम लोग जानकारी देख लेते हैं ये देखिए कुछ जानकारियां आपके लिए लेके आया हूं अगर बल और गुना विस्थापन पूछा जाए तो बल गुना विस्थापन क्या होता है कार्य होता है वेग गुना द्रव्यमान क्या होता है संवेग होता है बल गुना समय अंतराल क्या होता है आवेग होता है दाब बराबर होता होता है है बल बल गुना बल बटा क्षेत्रफल कार्य करने की क्षमता कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उसे ऊर्जा कहते हैं यानी और शक्ति क्या होती है तो शक्ति होता है कार्य करने की दर अपॉन समय यानी जो शक्ति होता है वो कार्य बटा समय होता है वर्क डन अपॉन टाइम संवेग और गतिज ऊर्जा के संबंध में है ना पी टू होता है टू एम इंटू माइनेटिक एनर्जी होता है तो इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं किसके लिए लेके आता हूँ आप लोगों के लिए लाता हूँ तो अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार आप लोग आए हैं तो एक बार हमारी क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और देखिए क्लास कैसा लगता है और अगर अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करने का काम करो लेकिन उससे पहले आप बड़ा प्यार से क्लास को शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में लेता हूँ है ना मैं सीधे बर्बाद कर देता हूँ क्वेश्चन को चलिए क्वेश्चन नंबर तीन लेते हैं लिखा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एस आई इकाई क्या होती है यानी हमसे कैपिटल जी के बारे में बोल रहा है इसका यूनिट पूछा है इसका क्या पूछा है एस आई यूनिट बताइए क्या होगा इसका न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर इनटू जेड के जी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना के स्क्वायर न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर तो यानी बताओ क्या आंसर है ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट अब जो तो है मेरे दोस्त इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी देख लेते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांग की जो एसआई si है वो क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है है ना मेरे दोस्त अच्छा आकर्षण बल यानी जो एफ है एफ बराबर क्या होता है जी एम1 m2 r स्क्वायर होता है जी ये क्या है जी एक नियतांक है है ना जिससे हम लोग क्या करते हैं सार्वत्रिक कहते हैं और जी का जो मान होता है वो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटर माइनस इलेवन न्यूटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम ये चीज आपके एग्जाम में

क्वेश्चन नंबर चार जो आपको खिलाएगा अचार तथा कि क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी क्षार के बारे में कौन सा सही नहीं है ये बताना है धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके H2O और CO2 और लवण बनाते हैं ये सही नहीं है स्वाद में कड़वे होते हैं लाल लिटमस को नीले में परिवर्तन कर देते हैं जलीय माध्यम है ना ओब्लिक तरल अवस्था में ओ एच का निर्माण करते हैं तो बेटा कौन सही नहीं है तो ये जो है ऑप्शन नंबर ये मेरे प्यारे मित्र वो सही नहीं है आइए अब इससे कुछ रिलेटेड हम लोग क्या कर लेते हैं जानकारी हासिल कर लेते हैं देखिए यहाँ पर क्या लिखा है छार के बारे में सही नहीं है क्या नहीं सही है धातुओं और वाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके एच है ना सी और लवन बनाते हैं प्रबल जो छार होते हैं प्रबल छार जो होते हैं है ना वो क्या होते हैं सुचालक होता है छार छूने से कैसा लगता है साबुन जैसा लगता है चिकना लगता है छार फिनोल फिल फिनथिल की गुलाबी रंग कर देता है छार कार्बनिक पदार्थों को क्या कर देता है नष्ट कर देता है तो छार जो होते हैं ना जो परवल छार होते हैं वो क्या होते हैं याद रखना जो इलेक्ट्रिसिटी का वो सुचालक होता है तो ये सब बातें आपको याद रखना है तभी तो तुम बर्बाद करोगे बताओ मजा आ रहा है कि नहीं अच्छा तुम्हें ये बताओ कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि नहीं तुम्हें लग नहीं रहा है कि सर जो करवा रहे हो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है है ना चलिए ये सब क्वेश्चन की जानकारी अगर कर लोगे ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से निकाल लोगे अगला ही लिखा है दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है देखिए इतना पढ़ोगे ना तो बेफालतू लगेगा यहाँ पर एक वर्ड है प्रतिरोध कम होता है आप लोग को पता है कि प्रतिरोध किसका कम होता है कुचालक का या सुचालक का या अर्ध चालक का आप लोग सभी बोलोगे सर प्रतिरोध का मतलब होता है करंट करंट के करंट के प्रवाह में क्या करना विरोध उत्पन्न करना प्रतिरोध क्या होता है कि करंट के फॉलो में करंट की परवाह में क्या करता है विरोध उत्पन्न करता है तो भाई जिसमें कम विरोध होगा वो क्या कहलाएगी वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सुचालक कहलाएगा लेकिन ऑप्शन में दिया है विद्युत रोधी कुचालक सुचालक

और चांदी अगर ना रहे तो देना है तांबा लेकिन लकड़ी रबड़ कागज ये सब क्या होते, है? होते हैं कुचालक होते हैं ठीक है ना प्रतिरोध का अगर ऐसा ही मात्र पूछे तो आप क्या बोलोगे सर प्रतिरोध का ऐसा ही मात्र ओम होते तो ये था स्पेशल जानकारियां यहां से अगला क्वेश्चन नंबर छह है और इसे बर्बाद कर देते हैं करोगे ना बर्बाद बताओ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे चाहने वाले युवा झारखंड के निवासी दोस्तों जल्दी से बताओ डॉट 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 एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है जो कोई भी बॉडी को क्या करता है मोसर में लाता है या लाने का क्या करता है प्रयास करता है है ना या रोकने का क्या करता है काम करता है या रोकने का प्रयास करता है उसे क्या कहा जाता है वाट कहते हैं कार्य करते हैं वल कहते हैं या जुल कहते हैं आपने इसे भी पढ़ रखा है मुझे पता है आपने पढ़ा अगर इसे नहीं पढ़ा है तो तब तुम तुम यहां पहुंचते नहीं तुमने इसे पढ़कर यहां तक पहुंचा है जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हो यार बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हो बिल्कुल डेली क्लास लेंगे यार क्यों ऐसे बोलते हो यार डेली तो क्लास लेता हूं मैं मैथ का भी लेता हूं साइंस का भी लेता हूं बिल्कुल लूंगा है ना पूरा बर्बाद कर दूंगा झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं सबको पढ़ाऊंगा मैं एक एक करके ठीक है तो यहां पर जो राइट आंसर है है ना उसे कहते हैं हम लोग बल यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट अब देखिए कुछ जानकारियां

एकदम इसी तरह से क्लास करवाता रहूं एकदम एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बोल दो है ना एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपने डेली क्लास लिया करो मैं बिल्कुल लिया करूंगा यार तुम तो मेरा दोस्त हो यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो आयो मानवों में डॉट डॉट के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है बताइए मुख गुहिका है स्वर रज्जु है ग्रसनी है या श्वसन रज्जु है बताइए तो मानवों में जो साउंड उत्पन्न होता है जो कंपन बताओ किसकी वजह से होती है हम लोग जो बोल रहे हैं साउंड उत्पन्न हो रही है कि नहीं ये किसकी वजह से होती है तो ये होती है स्वर रज्जु की वजह से यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं क्या बोलते हैं लैरिंग्स नेक्स्ट अब यहां पर कुछ देख लो यहां पर लिखा हुआ है कि मानवों में स्वर रज्जु के कंपन से क्या उत्पन्न होते हैं ध्वनि उत्पन्न होता है ठीक है नेक्स्ट यहां पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर है आठ गति का दूसरा नियम गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है यह आपसे पूछा जा रहा है पहला ऑप्शन है जड़प दूसरा है यानी कि धक्का तीसरा है दाब, चौथा है संवेग बताइए तो गति का जो यानी कि सेकेंड लो ऑफ जो मोशन है यानी गति का जो दूसरा नियम है वो किससे संबंधित है यह आपसे पूछा जा रहा है जल्दी से जवाब दो जल्दी से नो लेट करो नो वेट करो है ना ये सब क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है तड़क तो से आंसर देना है कि सर गति का जो दूसरा नियम है आप बोलोगे सर जानते हैं गति का जो दूसरा नियम है वो संवेग से रिलेटेड है यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चलिए अब इससे कुछ जानकारी भी हासिल कर लेते हैं कहता है गति का जो दूसरा नियम है वो संवेग से रिलेटेड है ठीक है ना किस रिलेटेड है संवेग से न्यूटन के दूसरे नियम से क्या मिलता है तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल के क्या मिलता है व्यंजक प्राप्त करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन बोला है कि समूह के पौधों को तो आमतौर पर सवाल कहा जाता है आपको यह बताना है कि, कि किस समूह का ब्रायोफाइटा, या अनावृति बीजी किस प्रकार के पौधों के जो समूह होते हैं उसे शैवाल कहा जाता है तो बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए मेरे झारखंड के नौजवान साथी तुम लोग को एकदम पूरा पास करवा दूंगा है ना मैं जो अनाउंसमेंट करवाने वाला हूं ना जो करने वाला हूं ना वो ध्यान देना बेटा हो सकता है मैं आज ही अनाउंसमेंट कर दूं और वो बहुत बड़ी तोहफा है तुम लोगों के लिए तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है सी है ये देखिए क्वेश्चन नंबर इसका कुछ आमतौर पर एग्जाम्पल लेते हैं थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर क्या कहा जाता है सवाल कहा जाता है शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है फाइकोलॉजी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कवक का अध्ययन को क्या बोलते हैं एकदम कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ सहवाल का अध्ययन को बोलते हैं हम लोग फाइकोलॉजी सहवाल जो होता है वो कैसी होती है स्वपोषी होते हैं समूह में एक सहवाल कवक तथा जीवाणु आते हैं थाइटा का शरीर जड़ तना पतियों के सि... में विभाजित नहीं रहता है है ना तो ये सब चीजें आपको क्या रखना है याद रखना है तो जल्दी से कमेंट के बताइए कि कवक का अध्ययन करना क्या कहलाता है परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा धारा विद्युत का निर्माण करता है बताइए परमाणु में क्या होते हैं परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन तो भाई परमाणु का कौन सा ऐसा भाग है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है यानी कि विद्युत धारा का निर्माण करता है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये बहुत ही झकास क्वेश्चन मेरे दोस्त मेरे भाई और मुझे चाहने वाले झारखंड के युवा नौजवान साथी जल्दी से बताओ इसको बर्बाद कर देंगे इसको क्या कर देंगे बर्बाद कर देंगे बताओ तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी तो धारा को क्या करता है उत्पन्न करता है अब हम लोग देखते हैं इसे कुछ जानकारियां बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जानकारियां आपके पास है यही जानकारियां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्योंकि फैक्ट जो होते हैं ना जो फैक्ट होते बेटा सब रट के जाता है लेकिन कुछ उससे जो स्पेशल जानकारियां निकल के आती है वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो अगला है यहाँ पर कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग जो होता है विद्युत तो धारा का निर्माण करता है इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका जो द्रव्यमान होता है आपके रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है हो सके कल आपका जब झारखंड सीजीएल का एग्जाम हो तो भी पूछ लिया जाए ठीक है ना अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है तो आपको क्या क्या होते हैं तो परमाणु के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है दूसरा क्या होता है प्रोटोन होता है ठीक है ना न्यूट्रॉन पर क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ न्यूट्रॉन एक क्या है आवेश नहीं होता यानी कि उदासीन होता है दूसरा परमाणु के धन आवेशित करने परमाणु कैसा है परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है उस पर चार्ज कैसा होता है तो एक धनावेश होता है यह देखिए क्वेश्चन नंबर अगला गया ग्यारह अवतल दर्पण में सी और एफ के बीच वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है ये तो आप क्लास टेंथ में पढ़े होंगे मेरे दोस्त जल्दी से जवाब दीजिए कि बताइए कि मुझे वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन में बीच है ना यानी कि अनंत यानी कि सी और अनंत के बीच में बनेगा यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आइए कुछ विशेष जानकारियां इनके लिए भी लेके आया हूं ये देखिए पूरा लिस्ट लेके आया हूं ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ोगे ना बेटा तो आपको पूरा याद हो जाएगा यानी कोई भी क्वेश्चन हो और उससे जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सब बना दो सब बर्बाद कर दो तो बताओ कोई छूटा तुमसे बिल्कुल नहीं छूटा देखो हमसे पूछा था सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा लो बेटा हम पूरे दिखा दिए अब इतना पढ़ लेंगे तो बर्बाद नहीं हो जाएगा पाला वस्तु की अगर वस्तु अनंत पे रहेगा है ना दर्पण कौन सा है दर्पण है आपका अवतल अगर अवतल दर्पण की बात करें तो वस्तु अगर अनंत पे रहेगी तो कहां बनेगी फोकस पर और अगर सी और अनंत के बीच में रहेगा तो सी और एफ के बीच बने बने में बनेगा सी पर, पर रहेगा तो बनेगा सी पर सी और एफ के बीच में रहेगा तो बनेगा सी और अनंत के बीच में सी एफ पर रहेगा तो बनेगा अनंत पर एफ दर्पण के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा कैसा बनेगा सब लिख के लाया हूं तो किसी भी चीज अगर क्वेश्चन एक आया हो और उससे अनेक क्वेश्चन तुम निकाल लो तो समझो समझो वो चीज आपको रह जाएगी हमेशा याद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बारह देखिए क्या कहता है कहता है निलय की भीति निलय की जो दीवारें होती है वो आलिंद की भीति से क्या होती है आपसे ये पूछा है बड़ी होती है मोटी होती है छोटी होती है पतली होती है जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि कैसी होती है ना मेरे झारखंड के नौजवान साथी बेटा तुमको झारखंड सी भी निकलवा देंगे झारखंड में पुलिस कॉन्स्टेबल का भी निकलवा देंगे झारखंड में दरोगा भी तुम्हारा निकलवा देंगे झारखंड में जो मैट्रिक स्तरीय जो नई भर्ती आज आई है उसको भी निकलवा देंगे मेरे झारखंड का कोई भी एग्जाम तुम्हें छोड़कर नहीं जाना होगा यह है मेरा वादा क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ अक्सर तुम्हें पहले से

अगले भाग में एक दाई आलिंद और बाया भाग में एक आलिंद तथा तो हृदय के पिछले भाग में एक दाई निलय निलय तथा दूसरा होता है है ठीक ना तो हृदय एक है ना यानी कि नामक थैली से क्या रहता है सुरक्षित रहता है दाएं आलिंद एवं बाएं आलिंद के बीच एक त्रिवलनी कपाट होता है इसके बारे में यानी ट्राई कस्पेट के बारे में पूछा गया है तो एक से एक चीजें आप लोग बना सकते हो देखिए क्वेश्चन नंबर तेरा है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि क्वेश्चन नंबर तेरा का आंसर क्या होना चाहिए अरे लेट नहीं करो मेरे दोस्त जल्दी जल्दी जवाब दो बर्बाद करना है मुझे झारखंड सीजीएल को है ना जे एस सी सीजीएल को जे एस एस सी जो एक्साइज कॉन्स्टेबल की वैकेंसी निकाला है उसको जेएसएससी जो जेई का वैकेंसी निकाला है उसको जेएसएससी जो मैट्रिक लेवल का वैकेंसी निकाला है उसको क्या करना है बर्बाद करना है साइंस में बीस क्वेश्चन आएंगे बेटा बीस का बीस सही करके आएंगे यह है मेरा बाधा अगर तुम मेरे साथ जुड़े रह गए तो निम्नलिखित तो में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में किसका प्रतियोग हम लोग उपयोग करते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है केमिस्ट्री का है ना पहला ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चौथा है लिथियम हाइड्रोक्साइड तो इसमें जो प्रयोग करते हैं उसको हम लोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही आंसर इसका है आइए अभी से रिलेटेड कुछ जानकारियां भी रख लेते हैं है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग किसका रूप में करते हैं प्रति अम्ल के रूप में करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है एम जी ओ एच के हॉल टू यह भी आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच के हॉल टू इसे किस नाम से जानता है बुझा चूना कहते हैं ये भी क्वेश्चन आपके कितने एग्जाम में पूछा गया कि बुझा चूना का बुझा चूना का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा या बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है तो बहुत चीजें तरह तरह के पूछ ले जाते हैं तो आपको बताना सी ए ओ एच के हॉल टू लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मुला क्यों एल आई ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जानता है तो कास्टिक सोडा बोले या बुझा चूना बोले ये सब चीजें अक्सर पूछे जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब कुछ ऐसे चीजें है ना जो हमेशा पूछी जाने वाली है क्वेश्चन नंबर चौदह कहता है निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है तो तापमान को तो हम लोग सेल्सियस में मापते हैं वाइट में मापते हैं केल्विन में मापते हैं क्या पास्कल में मापते हो तापमान को नहीं तो जो पास्कल होगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर होगा ठीक है ये देखिए कुछ स्पेशल जानकारियां आपके लिए है पास्कल तापमान का मात्रक नहीं है पास्कल दाब का क्या है एसआई मात्रक है पास्कल का पीए द्वारा सूचित किया जाता है है ना ये है आपको किसी भी टेम्परेचर को किसी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम कौन किया था वन ग्यूरिक ने किया था ठीक है तो ये सब चीजें क्या रखना है आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं पंद्रह और बताइए पंद्रह का क्या आंसर होना चाहिए कहाँ हो सो गए क्या मेरे दोस्त जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर का पंद्रह का आंसर एक बच्चे ने कमेंट करा सर बहुत मस्त बता रहे हो यस थैंक यू थैंक यू रवि थैंक यू रवि थैंक यू बेटा मैं मस्ती पढ़ाता हूँ बस आप केवल शुरू से अंत तक क्लास को देख लो तो आपको हर एक चीज मस्त लगेगा यस yes, अच्छा ठीक है मैं हिंदी में कर दूंगा मेरा जो ट्रांसलेटर है ना मेरे दोस्त एक बच्चे ने कमेंट कर रखा कि सर क्वेश्चन को जो है इंग्लिश में भी करवा दो अरे इंग्लिश में करवा दूंगा यार कोई बात नहीं इंग्लिश में करवा दूंगा हमारी ट्रांसलेटर अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है उनकी तबीयत खराब है जैसी वो आते हैं मैं करवा दूंगा आपको इंग्लिश में नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी जी क्या होता है तो जी बराबर क्या होता है एम आर स्क्वायर अपॉन जी या जी एम आ, जी एम अपॉन आर स्क्वायर या जी अपॉन एम आर स्क्वायर या फिर जी एम आर स्क्वायर तो ये होता है जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस

त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्व गुरुत्व बल क्या होता है आरोपित होता है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रथम प्रभाव में पिंड की गति के त्वरण उत्पन्न होती है जी एम बटन ए स्क्वायर चलिए क्वेश्चन नंबर सोलह ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ना जाने कितने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ऐसा कोई एग्जाम भारत में लगता है मेरे अनुमान से नहीं होगा जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आया होगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा लिखा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपसे ये पूछा गया है पहला ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल सिट्रिक अम्ल एसिटिक अम्ल टार्टेरिक अम्ल तो हमसे पूछा गया दही में आप लोग सभी को पता है कि दही का स्वाद कैसा होता है खट्टा और खट्टे में पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं उसको क्या बोलते हैं सिट्रिक एसिड तो यहाँ पर सब लोग जो मार देंगे वो क्या मार देंगे सिट्रिक एसिड याद रखे बेटा दही की बात हो रही है दूध पे तो दूध में होता है लैक्टिक लेकिन यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर बहुत लोग मार देगा क्या एसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड तो बेटा चल जाओगे चौराहे में आइए अब कुछ लिस्ट लेके आया हूं जिसमें क्या क्या चीजें किन किन चीजों में पाया जाता है कौन कौन सा अम्ल किन किन चीजों में पाया जाता है इसका पूरा लिस्ट तैयार कर लगाया गया पूरा खाते तैयार करके ले आया है किसके लिए तुम्हारे लिए कि ताकि मेरे बच्चे को बेटा खाना बनाना ना पड़े खाना सीधे दे दो सीधे खाएगा और एग्जाम में लिख देगा ए का बी ए का बी दो का सी तीन का डी ऐसा लिख के बेटा बर्बाद कर देना आओ तो देखिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत क्या है और इधर क्या है अम्ल अगर नींबू और संतरा की बात करें तो उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल अगर सिरका का बात करें तो एसिटिक अम्ल पाए अगर इबली की बात करें तो टाइक्टेरिकम्ल अम्ल पाते हैं टमाटर की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है सेब की बात करें तो मैंग्लिक अम्ल पाए जाते हैं चीटी की डंग की बात करें तो मैथोनोई अम्ल पाया जाता है और अचार में बोले तो आप लोग बोल सकते हो एसिटिक अम्ल पाया जाता है तो ये सब जो लिस्ट है ना मेरे दोस्त ये अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और मैं उन्हीं का लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सत्रह जल्दी से बताइए कि सत्रह में क्या है खतरा ठीक है <laughs> कहता है कि झूले पर बैठे लड़के की गति होती है जो झूला झूल जुल रहा होता है उसकी जो गति होती है वो क्या होती है आपको ये बताना है पहला होती है आवृत्ति होती है वृत्ताकार होता है असमान होता है या एक समान होता है तो भाई झूला बैठा है तो उसकी जो गति होती है वो कैसी होती है आवृत्ति होती है अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्या कर लेते हैं जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं यहाँ पर देखिए झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है आवृत्ति गति होती है एक निश्चित पथ पर गतिमान करती जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को क्या करता है दोहराता है तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या करते हैं आवृत्तीय गति करते हैं किसी पिंड की समस्त सम, सम, साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने के, के दोलन गति करते हैं ठीक है तो इसे क्या रखना है याद रखना है ठीक है मेरे प्यारे मित्र चलिए क्वेश्चन नंबर अठारह और देखिए इसको कैसे करते हैं बर्बाद कैसे करते हैं बर्बाद देखिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्र क्या है यह भी क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा होगा भारत में जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया होगा तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो पेपर होंगे 2023 या 24 जो भी जब भी हो तो उसमें यह जरूर क्वेश्चन आना चाहिए तो बताइए इसका क्या आंसर होगा प्रतिरोध का ऐसा ही मात्र होता है ओम यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ जानकारियां भी हम लोग क्या कर लेंगे जल्दी से फटाक से देख लेंगे यहां पर देखिए आपके लिए जानकारियां भी लगा दी गई है प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है ओम होता है विद्युत धारा का अगर एसआई मात्रक पूछे तो क्या होता है एम्पियर अगर विद्युत आवेश का मात्रक पूछे तो बोलेंगे कुलम अगर विद्युत विभव का बात हो तो बोलेंगे बोल्ड है ना ज्योति फ्लक्स बोले तो बोलेंगे ल्यूमेन है ना ज्योति तीव्रता का बोलेगा तो बोलेंगे कैंडला तो ये सब चीजें आपको याद रखना है ना ये सब चीजें क्या करना मेरे दोस्त याद रखना है किसके लिए अपने लिए है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि यौवन के समय लड़कों में दिखाई देने वाला परिवर्तनों लाता है क्या लाता है जी प्रोलैक्टिन बेटा प्रोलैक्टिन कहाँ से हो गए ये कहाँ से होगा गए या एस्ट्रोजन भाई एस्ट्रोजन तो महिलाओं में पाई जाती है लेकिन टेस्टो एस्टेरॉन क्या पाया जाता है पुरुषों में और यही जो है वो परिवर्तन लाने का काम करता है तो आंसर नंबर जो है वो सी जो है वो बिल्कुल क्या है सही आंसर है क्या है बेटे दोस्त सी जो है वो बिल्कुल क्या है सही आंसर है यस yes, अमित सही बोल रहे हो बेटे दोस्त सही बोल रहे हो अमित बोल रहे हैं सर कि सर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ बिल्कुल मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए है ना बस आप लोग का यही काम है कि हमारी क्लास को शुरू से अंत तक देखिए है ना और क्लास अगर अच्छी लगती है तो जरा सा चैनल पर पहली बार अगर आए होंगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दूर दूर तक तक फैलाने का काम कीजिए बस आप लोगों को गुरुदश्रा के रूप में इतना ही देना है और बाकी तो मैं बर्बाद कर दूंगा चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर उन्नीस लेने से पहले कुछ लाया हूँ अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या है तो आपको बोलना हारमोन हैाली कोशिकाओं के महसूस पाए जाते हैं जुनर्म हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव स्त्राव करती है यह गौन लैनिक यह जो होता है वो होता है गौन लैनिक लक्षणों के विकास और नियंत्रण में सहायक होता है प्रोजेस्ट्रोन को गर्भाधारण के गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहाते हैं है ना रिलैक्सिन हार्मोन बच्चे के जन्म के में मदद करता है ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर का पूछा है कि ऐसा कौन सा इंजाइम है जो बच्चे के जन्म के समय आपको क्या करता है बच्चे के जन्म के समय मदद करने का आपको काम करता है तो वो है रिलैक्सिन हार्मोन है जबकि प्रोजेस्ट्रोन जो हार्मोन होता है वो गर्भधारण निर्भर वाला क्या है आपको हार्मोन है नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका बीस एक गोलाकार दर्पण और एक पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में माइनस टू सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है ऐसे प्रदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना देखो माइनस बीस बोल रहा है तो अगर मिरर बोले तो अवतल मिरर बोले तो अवतल और लेंस बोले तो अवतल ये दोनों का क्या होता है तो भाई जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं कुछ स्पेशल सी क्या जानकारी देखिए क्या लिखो? अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है इस बात को हमेशा याद करना मेरे दोस्तों क्वेश्चन कितने बार भी आ चुका है है कि अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है कथा यहाँ दोनों आरेख दर्पण तथा लेंस के फोकस दूरी की मापन बिंदु ओ से शुरू होती है बिल्कुल सही होती है तो अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है तो ये चीजें याद रखो याद रखो मेरे दोस्त दूसरों से अलग करना है दूसरों से क्या करना है अलग तो आपकी सोच आपकी समझ भी दूसरों से क्या होनी चाहिए अलग होनी चाहिए ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो तो इसे डॉट डॉट कहा जाता है क्या कहते हैं समान समय में असमान दूरी तय कर रहे हो तो उसे बोलते हैं असमान गति समान गति रूपांतरण गति या घूर्णन गति तो उसे बोलते हैं मेरे दोस्त उसे हम लोग बोलते हैं असमान गति यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल क्या है सही आंसर है ठीक है ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल सही आंसर है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा इक्कीस है वो तो कंप्लीट हो गई है अब हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर बाईस में तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर बाईस में जाने से पहले कुछ स्पेशल से क्या है जानकारियां है लिखा यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति कहा जाता है ठीक है यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका बेग जो होता है वो क्या होता है नियत होता है अतः बेग समान है ना ग्राफ एक क्या होगा सरल रेखा होगा यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेग समय ग्राफ कैसा होगा तो आपको बताना है सरल रेखा होगा ठीक है तो चीजें आपको क्या करना है याद रखना है और भी बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लाया हूं आपको क्या करना है रात में सोने से पहले एक बार पीडीएफ को पढ़ लेना है आप लोगों को पता है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का जहां पर पढ़ाने के बाद आप लोग को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ नेक्स्ट अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजन करता है बहुविखंडन की बात हो रही है कि बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन कौन करता है आपका पहला ऑप्शन है है दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम तीसरा है प्लेनेरिया चौथा ऑप्शन है हाइड्रा तो जो यहां पर बहु जीव बहु विखंडन की बात हो रही है तो बहुविखंडन करने का काम करता है प्लाज्मोडियम यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 23 जाने से पहले कुछ स्पेशल सी जानकारी देखते हैं प्लाज्मोडियम जीव बहु विखंडन द्वारा क्या करता है प्रजनन करता है निडेरिया संघ के जीव में प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युवकों के द्वारा होता है तो ये सब चीजें क्या करनी है मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे चाहने वाले बिहार के झारखंड के जितने भी नौजवान साथी है सब बेटा इसको बर्बाद कर देना अब आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं तेईस निम्नलिखित में से कौन सा शरीर है ना लिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है कौन सा शरीर पहला ऑप्शन है लिवर फ्लक दूसरा है टेपॉर्म तीसरा है हाइड्रा चौथा है प्लानरिया कौन सा ऐसा शरीर है जो कोशिकाओं के दो परतों से बना होता है तो दो परत की बात हो रहा है तो दो परत जो होता है वो हाइड्रा में होता है यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी विल बी द राइट आंसर आइए अब देखते हैं कुछ स्पेशल सी जानकारियां देखिए यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त यहाँ पर लिखा हुआ है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है देखो हाइड्रा की शरीर की कोशिकाओं की दो परतों से क्या होता है बना होता है हाइड्रा जो होती है वो सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा संघ का क्या एक जीव है है ना इस संघ में इस संघ के जो जीव होते हैं वो द्व स्तरीय होता है शरीर के बाहरी स्तर एक्टोडर्म और भीतरी स्तर एंडोडर्म होता है ठीक है ये सब चीजें आपको क्या करना है माइंड में सेट कर लेना है क्या कर लेना प्यारे मित्र तो माइंड में सेट कर लेना है आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं जो इस पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है ऑप्शन है हाइड्रोजन कहा जाता है निष्क्रिय गैस कहा 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 जाता 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 है 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 धातु या क्षार यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, है केमिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन बहुत भी एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो सीजीएल का एग्जाम होंगे 2023 में पक्का यह क्वेश्चन आना चाहिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए डी चलिए क्वेश्चन नंबर पच्चीस लेने से पहले कुछ उसी तरह का से फिर जानकारियां हैं पहले पहले समूहों के क्या तत्वों को क्या कहा जाता है सार कहा जाता है ठीक है ना प्रत्येक आवर्त का प्रथम प्रत्येक आवर्त का प्रथम जो सदस्य है वो कैसा है तो आप बोलोगे सर छार है प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य की बात जो है वो कैसा है अक्रिय गैस है अपवाद है पहले आवर्त का पहले सदस्य जो हाइड्रोजन है है ना हाइड्रोजन है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह पंद्रह के तत्व है ना कैसे होते हैं निकोजन कहलाते हैं तो मेरे दोस्त मेरे भाई जितने अच्छे अच्छे चीजें आपके लिए लेके आया हूं उसका क्या करो फायदा उठाओ और बर्बाद कर दो क्वेश्चन नंबर पच्चीस पता है कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की हतों और दीवारों को किससे ढका रहता है तो कद प्रतिध्वनि यानी कि इकोज इको को हमको क्या करना है कम करना है तो जो छत और दीवारें की जो लकड़ियाँ होती है छत की और दीवार जो होती है छत और दीवार जो होता है किससे ढका होता है आपसे ये पूछा है रबड़ से प्लास्टिक से धातु से या फाइबर बोर्ड से तो वहां पर जो ढका होता है वो ढका होता है किससे फाइवर बोर्ड से यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 लेने से पहले कुछ स्पेशल से फिर से जानकारी लेते हैं प्रतिरोध को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को हम लोग फाइबर बोर्ड से क्या करते हैं ढक देते हैं जब ध्वनि तरंग दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकरा कर प्रावर्तित होती है तो इसे इस प्रकार को प्रावर्तन इस प्रकार के प्रावर्तन ध्वनि को हम लोग प्रावर्तित ध्वनि कहते हैं प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर या फिर सोलह दशमलव छह छह मीटर की दूरी होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि हम क्लियर इको देखें क्या देखें क्लियर इको सुनाई दे तो बेटा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच की दूरी जो होना चाहिए वो सोलह दशमलव छह या फिर सत्रह मीटर की होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर छब्बीस पौलिस सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती तो उसे क्या कहते हैं देखिए कोई किरण आया कोई किरण आया है ना कोई किरण आया और प्रकाश की कोई सतह पर क्या हुआ मिली और मिलने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट गई तो इस प्रकार की घटना को क्या करते हैं इस प्रकार की घटना को हम लोग प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्ताइस डॉट डॉट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है पॉलीमर नहीं है कौन पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉली तो वो है कौन पीबीसी यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जो विद्युत धारा होती है जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसे हमको मापना है तो मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बताइए मापने के लिए लिखा हुआ है पोटेंशियो मीटर का बोल्ट मीटर का, मीटर का या फिर आ मीटर का तो भाई हम लोग करंट को मेजरमेंट करना चाहते हैं यानी कि मापना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्या यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर उन्तीस लेने से पहले कुछ जानकारी लेते हैं देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है आ मीटर का अच्छा ये आ मीटर जो होता है वहां पर जो अमीटर जो होती है वो सर्किट में कहा जुड़ी होती है है ना तो सर्किट में किस रूप में जुड़ी होती है श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं कि अमीटर को कहाँ जुड़ा जाता है तो याद रखना सीरीज में जोड़ते हैं अगला है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है एक आदर्श जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है है ना कहाँ होता है बहुत कम होता है यानी कि कितना होता है शून्य होता है वोल्ट <smart> मीटर का प्रयोग परिपथ के लिए दो बिंदुओं के बीच का क्या करता है मापने के लिए क्या है वोल्ट मीटर परिपथ में सदैव कहां जुड़े होते हैं समांतर क्रम में जुड़े होते हैं मीटर की बात करेगा तो सीज में और वोल्ट मीटर की बात करेगा तो पैरल में है ना एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है अनंत प्रतिरोध का होता है अनंत जबकि हमारे आपका इसका मीटर का है ना तो याद रखना एक आदर्श जो मीटर होता है इसकी प्रतिरोध कितनी होती है? होती है है अनंत ये देखिए क्वेश्चन है जल्दी से जवाब दे दो प्यारे मित्र क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं जहां कसम खा के बताओ लिखा है कि श्वसन लेने की प्रक्रिया में डॉट डॉट शामिल है बताइए क्या शामिल है श्वसन लेने की प्रक्रिया में कोश श्वसन और किनवन स्फी और विस्तारण प्रश्वन प्रसव प्रश्वसन और निश्वासन या अनुगम या फिर निगमन क्या है बताइए तो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है शामिल बताइए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रश्वसन और निश्वासन क्या होती है लगी होती है ये देखिए कुछ विशेष जानकारियां हैं आइए इसको भी क्या कर लेते हैं हासिल कर लेते हैं तभी तो झारखंड के जितने एग्जाम है सबको क्या कर देंगे बर्बाद कर देंगे उड़ा देंगे बेटा हवा में ठीक है सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वासन क्या होती है शामिल होती है है ना इसे की में जब वायु अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन इतना परसेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जीरो होता है ठीक है कहता है कि लाल रक्त कण श्वसन क्रिया में मदद करती है आरबीसी का निर्माण कहाँ होती है अस्थि मज्जा में ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि लाल रंग का निर्माण लाल अ

गैसों में क्या होता है विसरण होता है अत्यधिक गैसों के बीच आकर्षण बल बहुत क्या होता है कमजोर गैसों के आकर्षण बल ठोस है ना और द्रव की अपेक्षा कम होती है है ना इस तरह से करके बहुत ही जानकारियां आपके लिए इकट्ठा करके लेके आए हैं तो मेरे दोस्त मेरे भाई और मेरे चाहने वाले झारखंड के नौजवान साथी जल्दी जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो क्लास को सबसे पहले शुरू से अंत तक देखनी है क्लास अच्छी लगी तो क्या कर देना है लाइक कर देना है और अगर कुछ पूछना हो तो क्या करो कमेंट करो और ये जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको आज की क्लास कैसी लगी यानी मैं जो झारखंड सीडियल में जो साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर पाँच नंबर लेके आया था उसकी क्लास आपको कैसी लगी है रिव्यू जल्दी देने के बताना और ये भी बताना कि आप लोग झारखंड के किन किन जिलों से किन किन जगहों से हमारी डेली क्लास आप लोग देख पाते हो और अगर हमारी क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा हो तो जरा सा दूसरे को भी क्या कर दो शेयर कर दो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो दबा दवा 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 दबा के शेयर कर दो ठीक है तो मिलते हैं आप लोगों को सीजीएल का साइंस का सेट नंबर छ लेके जस्ट अगले क्लास में तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय ठीक है लेकिन एक बात ध्यान देना घोषणा बेहतरीन करने वाला हूं उस घोषणा को जाने मत देना